दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा बिहार, यहाँ आपको मिलती है बिहार के हर छोटी सी बड़ी खबर। हर छोटी सी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारा बिहार के साथ। एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में 3232 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में 7 मई तक 1,86,00,000 घरों में संक्रमितों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लिया गया। उनके अनुसार पूरे राज्य में 3232 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 7 मई तक 1,86,00,000 घरों में संक्रमण के लक्षणों की पहचान का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। पूरे राज्य में 3232 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां बाढ़ राहत शिविर के तर्ज पर सभी को गमछा, मास्क, थाली, कटोरा, मग, 3 समय के भोजन, बच्चों के लिए दूध पाउडर, सीसीटीवी कैमरा व चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बारिश से कई वर्षों के बाद लीची के लिए मौसम अनुकूल बना तो बाजार हुआ प्रतिकूल। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर क्या है। बारिश से कई वर्षों के बाद लीची के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। तापमान, आर्द्रता दोनों लीची के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे लीची को विकसित होने का समय मिल रहा है। लीची अनुसंधान केंद्र एवं किसानों के अनुसार लीची को वर्षों के बाद तापमान 4 महीने एक समान मिल रहा है। इसे मंजर से लेकर दाना निकलने और कुछ दिनों में पकने का तापमान एक समान है। जब भी तापमान 30 से ऊपर पहुंचने लगता है तो बारिश हो जा रही है। इससे तापमान में 30 के नीचे पहुंच जा रहा है। लीची को गुदेदार बनाने के लिए तापमान काफी आम होता है। विशेषज्ञ किसानों के अनुसार इस बार जैसी स्थिति बनी हुई है, इससे शाही लीची के बड़े और गुदेदार होने की संभावना है। लीची अनुसंधान केंद्र की ओर से राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार जिले में लीची का उत्पादन 1,00,000 टन से अधिक होने का अनुमान है। अग्रणी किसान भोलानाथ झा के अनुसार बचपन से लीची की खेती कर रहे हैं, लेकिन लीची के लिए ऐसा अनुकूल मौसम उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि बाजार प्रतिकूल चल रही है। जहां बाजार में भीड़ नहीं है, लेकिन लीची का उत्पादन काफी होने की संभावना है। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। एक तरफ जहां लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं बिहार में किराए पर भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल बिहार के मजदूरों को दिल्ली से बिहार भेजने और उनका किराया दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने पर सियासत छिड़ गई है। नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा ने जहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर किराया मांगने का आरोप लगाया है, वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली सरकार की तारीफ की है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेन उपलब्ध कराने का वादा किया था। चूंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने के एकदम इच्छुक हैं। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ दिल्ली सरकार यह श्रेय ले रही है कि उसने 1200 मजदूरों को अपने पैसे से टिकट खरीदकर बिहार घर वापस भेजा है, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार किराए की भरपाई की रकम बिहार सरकार से मांग रही है। उन्होंने चिट्ठी दुखाते हुए कहा कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर भेजे गए 1200 प्रवासी मजदूरों का किराया दिल्ली सरकार ने मांगा है, और इसी पर सियासत गर्मा गई है। ते अगली बड़ी खबर पे, 17,000 से अधिक प्रवासियों को लेकर आज बिहार पहुंचेगी 14 स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे बिहार मजदूरों और प्रवासियों की बिहार वापसी लगातार जारी है। इस कड़ी में रविवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों में बिहारियों को लेकर कई ट्रेन बिहार आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को बिहार के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 17,000 से अधिक प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने कुल 14 नई ट्रेन इन प्रवासी बिहारियों को लेकर बिहार के अलग अलग जगहों पर पहुंचाएगी। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा समेत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और तेलंगाना से भी बिहार के प्रवासियों को लेकर कई ट्रेन बिहार के अलग अलग हिस्सों पर पहुंचने वाली है। इनमें हरियाणा और पंजाब से आने वाली लोगों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों, चलिए चलते अब अगली खबर पे। साइबर अपराधियों ने बिहार के डीजीपी को भी नहीं बख्शा। दरअसल बात यह है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया।